देखिए वार्ड नंबर 96 मेरे लिए कोई नया वार्ड नहीं है। जब मैं पूनम महाजन के सामने लड़ रहा था यहाँ से मुझको सबसे ज़्यादा वोट मिला था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है। शकील सर यहाँ के रिहाइश के यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ पर लोग उनको जानते हैं, ही इज़ क्वालिफाइड और उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है, लोग उनको छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट्स और जो एक नई पीढ़ी है उनको हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी को जो अखिलेश यादव जी ने एक नई दिशा दी है, अब हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सारा कैंडिडेट उसी क्लास का हो, उसी लेवल का हो जो हमारे वोटर्स को एक नई दिशा दिखा सकें। आपकी ओर से युवा नेता जो है वो पेश किया गया 96 से शकील सर को यहाँ पर उतारा गया है, लोगों से क्या अपील करना चाहे वोट के लिए किस तरह से? देखिए मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि यहाँ पर एरिया में बहुत से लोग घुसे पड़े हुए हैं जो समाजवादी पार्टी की ही पैदाइश हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे अपने मुफाद के लिए आगे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से फिल्टर चाहूँगा, अब मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि शकील सर एक बहुत ही नेक इंसान है और यहाँ वेल क्वालिफाइड इंसान है, वो समाजवादी पार्टी की डेवलपमेंट की नीति को समझते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अबू आसिम आजमी का जो समाजवादी पार्टी का जो MCGM का सपना है उसको साकार करने में ये हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। देखिए सबसे पहले ये होगा कि जो बजट पड़ा सड़ रहा है BMC में और जिसके ऊपर इंटरेस्ट खा रही है BMC और शिवसेना के आमदार और उनके कॉरपोरेटर्स, हम सबसे पहले उस बजट को पूरा कंज्यूम करना चाहेंगे और उसके बाद ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काम है। आज 32,000 करोड़ का अगर बजट है जिसमें से आधे से कम पैसा खर्च होता है तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों से। तो शिवसेना और भाजपा को तो वोट बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए मुंबई करों का। और रही कांग्रेस NCP की बात, कांग्रेस आज आखिरी सांस पर है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं दिया होता तो नेगेटिव में चले गए होते। तो आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो नई लहर अब दिख रही है पूरे महाराष्ट्र में, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर हम सीटों में कम भी आए लेकिन वोट शेयर हमारा डेफिनेटली बहुत ऊपर जा रहा है और आने वाले MLA इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे नंबर लाएगी। फिलहाल हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है यहाँ पर और ईमानदारों की पार्टी है और उसूलों वाले की पार्टी है। अबू आसिम आजमी ने हमेशा, आप गोवंडी जा करके देख लें, गोवंडी में आपको एक हराम का पैसा कहीं दिखेगा नहीं, आपको सड़कें बिना जॉइंट की हैं, पानी हर घर पहुँच चुका है और सब सड़कें सब जॉइंट सब स्कूल्स आप जाके देखें अडॉप्ट की गई हैं, स्कूल्स को डिजिटल क्लासरूम स्लम में पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं चल रहा है लेकिन गोवंडी में डिजिटल क्लासरूम चल रहा है। तो जो सुविधाएं 5 साल में अबू आसिम ने दे दी पिछले 50 साल में कांग्रेस और शिवसेना ने नहीं दी है। तो समाजवादी पार्टी को एक मौका दें, एक चांस दें और युवाओं को एक मौका दें कि अखिलेश यादव की राह पर चल के महाराष्ट्र को भी हम उसी उन्नति पर जहाँ आज उत्तर प्रदेश पहुँच चुका है। देखिए पतंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बाहर के लोग हैं हैदराबाद से आकर के यहाँ लड़ते हैं और वापस हैदराबाद चले जाते हैं, तो वो सांप की तरह हैं, बिल से निकले हैं फिर बिल में चले जाएंगे वापस, मैं उनके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। जैसे आपने गोवंडी की बात की है तो अकबर ओवैसी जब वहाँ पे रैली किए थे उनकी जो भी आज तक सभाएं हुई उनका यही कहना है कि उन्होंने अभी तक क्या काम किया, उन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किया, मैं आऊँगा तो मैं कार्यकर्ता, तो उनके लिए क्या जवाब? देखिए आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, आप अबू आसिम आजमी का जो वहाँ का 6 वार्ड है आप देख लीजिए कितना काम किया है और अगर आपको लगेगा कि काम नहीं किया है तो आप समाजवादी पार्टी को कवर करना छोड़ दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी की जो हालत है हैदराबाद में, आज मुसलमानों के ऊपर टॉयलेट की बाल्टी खाली कर देते हैं ये लोग, उनके सामने उनको कंपटीशन ही नहीं चाहिए और आज यहाँ पर उनको खड़ा कंपटीशन, हम लोग हैदराबाद भी जाएंगे उनकी गली में जा करके उनके खिलाफ लड़ेंगे और उनको हरा करके उनको हम लोग दिखाएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के वोट के साथ में सिर्फ खिलवाड़ और सौदा किया है। जी मैं तो ये कहना चाहूँगा फरहान भाई का कि इन्होंने मुझे चुना ये सीट दिया और देते तक मुझे कहा कि शकील भाई आपसे बहुत उम्मीद लगाया हूँ, ये सीट आपको दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आप जब फतेह करके आओगे तो जीत के आओगे हमारे पास। और यहाँ की जो सिविक्स इशू है पब्लिक रोड को लेके, नाले को लेके, गटर को लेके, साफ़ सफाई को लेके और यहाँ तक के यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी है, एजुकेशन प्रॉब्लम भी है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। अगर आप देखेंगे हमारे बाजू में शहर है गोवंडी, हमारे कायद अबू आसिम साहब जो कि एक MLA है और हमारे रईस शेख जो यूथ लीडर है नगर सेवा के, आप जाके देखिए वहाँ वाटर कनेक्शन नहीं था, वाटर कनेक्शन लगा दिया और सबसे बड़ा हमारी कौम को जो गिफ्ट दिया है अबू आसिम साहब ने, आप दिनौर में जाएंगे कुर्बानी के टाइम पे जो 50 रुपये टिकट दी थी वो माफ़ करवाया अबू आसिम साहब ने। तो जब साइकिल गोवंडी में चल सकती है तो बांद्रा में क्यों नहीं चल सकती मेरा? और हम लोग
यहाँ के जितने भी लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जिताया और कांग्रेस कभी इस चीज़ पे खड़ी नहीं उतरी। और मैं आशा रखता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर मुझे इंशाल्लाह नौपाड़े बहराम की जनता जिताएगी मैं इस पर खड़ा उतरूंगा। जी मेरी सीधी टक्कर यहाँ पे किसी से नहीं है इंशाल्लाह, जो भी है हम लोग खुद इतने पावरफुल है। और मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं चाहूँगा मैं बताता हूँ कि शब्बीर भाई हैं हमारे भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से ही आज छोड़ करके बीजेपी में चले गए, लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि बीजेपी में जा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसलिए आज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बैंड बाजा या कोई ऐसा नया सिंबल लेकर के वो आए हैं, तो हमारी तरफ से उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, लेकिन पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि शब्बीर जो हैं लोगों का वोट बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में उनको वोट मिलता नहीं, आज इंडिपेंडेंट लड़ करके वो यहाँ का वोट सिर्फ ख़राब करने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना के साथ में होने जा रही है, और किसी के साथ यहाँ हमारी टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है और आने वाले दिनों में आपको जो नंबर वो बताएगा, और शब्बीर यहाँ वोट काट रहे हैं।